सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज रोहित एंड वेलकम बैक टू द रोहित रैंडम। सो गाइस आज हम निकल पड़े हैं एक और न्यू जर्नी पर। और गाइस आज आप देख सकते हो मौसम बहुत ही बढ़िया हो चुका है, चारों तरफ काले काले बादल दिख रहे हैं। और गाइस आज तो ऐसा लग रहा है कि आज 100% बारिश होगी। आपको भी पता है कि अभी हमने वाटरफॉल सीरीज लगा रखी है, जितनी ज्यादा बारिश होगी वाटरफॉल का व्यू उतना ही ज्यादा बेस्ट आएगा और आप उतने ही ज्यादा बेस्ट व्यू देख पाओगे। आज के वाटरफॉल की और आज की हमारी राइड की बात की जाए तो गाइज आज हम जा रहे हैं तिंचा वाटरफॉल। इंदौर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। रूट की बात की जाए तो गाइज आपने हमारी लास्ट वीडियो चेक की होगी, मोहाड़ी वाटरफॉल। यदि गाइज आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से उस वीडियो को देख सकते हो। और गाइज तिंचा वाटरफॉल जाने के लिए आपको इंदौर से आप खंडवा नाका होते हुए खंडवा नाके से आप सिमरोल और सिमरोल से आप तिंचा वाटरफॉल जा सकते हैं। तिंचा वाटरफॉल जाने के लिए आपको दो रूट मिलेंगे, एक राला मंडल और दूसरा सिमरोल होता हुआ। तो गाइस राला मंडल होता हुआ जो रूट है उस रूट की बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है, पूरी रूट पर बहुत ही ज्यादा गड्ढे कीचड़ हो रखा है। इसलिए मैं आपको सिमरोल वाला रूट सजेस्ट करूंगा क्योंकि गाइस उस रूट से जाने में आपको थोड़ा सा लॉन्ग रूट पड़ेगा, ऑलमोस्ट 5-7 किलोमीटर लॉन्ग रूट है। ये रूट इतना ज्यादा बेस्ट है ना गाइस, आपको इस रूट पर ट्रैफिक देखने के लिए मिलेगा और ना ही इस रूट पर आपको कोई गड्ढे या कीचड़ देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही ज्यादा बहुत ही शानदार और क्लियर रूट है तिंचा वाटरफॉल। आप GPS गूगल भी कर सकते हैं, वो भी आपको बेस्ट रूट बताएगा। तो गाइस यदि आप रूट चेक करना चाहते हैं तो आप हमारी मोहाड़ी वाटरफॉल वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, वो तिंचा वाटरफॉल तक ही है। तिंचा वाटरफॉल से ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर आगे ही मोहाड़ी फॉल भी आता है। तो गाइस आज हम राइड पर अकेले हैं और गाइस सिंगल राइड करने में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये, आप हर जगह का व्यू तो रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन आप खुद की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। आप मेरे वीडियो में देख सकते हो हर बार मैं सिनेमेटिक शॉट्स में वाटरफॉल नेचर के व्यू के साथ साथ खुद के भी सिनेमेटिक शॉट्स डालता हूँ। ऑब्वियसली गाइस कि मेरा यदि कोई रिकॉर्ड होता है तो वो कोई दूसरा बंदा ही करता है। प्रॉब्लम एक ये है कि आज हम सिंगल आए हैं। वैसे तो गाइज आपको पता है कि हमारी हर राइड मॉर्निंग में ही होती है, अभी भी मॉर्निंग के लगभग 7 बज रहे हैं तो हमें वाटरफॉल पर कोई भी नहीं मिलेगा। फिर भी गाइज देखते हैं यदि हमें वाटरफॉल पर कोई मिलता है तो उस बंदे से हम हमारा रिकॉर्ड करवाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी राइड कर रहे हैं तो आपके साथ साथ यदि कोई भी बंदा होता है, आपकी बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई या आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो गाइज आपको एक कॉन्फिडेंस ये रहता है कि इस राइड पर मैं अकेला नहीं हूँ और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे साथ एक बंदा है। हमारे साथ ना गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है और ना ही ऐसा कोई गलत एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन गाइस फिर भी यदि कोई बंदा साथ रहता है तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। यदि बाइक की बात की जाए तो मैंने 2 दिन पहले ही बाइक की सर्विसिंग कराई है, बाइक A से लेकर Z तक पूरी कंप्लीट है और बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। लेकिन गाइस ये तो है एक मशीन ही जो कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम दे सकती है। चलिए गाइस अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आगे चल के आपको वाटरफॉल का व्यू देते हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ काले काले बादल हो रखे हैं, बीच राइड में बारिश ना हो जाए। आज हम राइड पर बिल्कुल अकेले हैं और ऐसे जंगल वाले एरिया में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए जल्दी आपको चलकर वाटरफॉल का व्यू देते हैं। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे।
तो गाइस आप किसी भी वाटरफॉल पर या ऐसी कोई सी भी प्लेस पर जाते हैं जो हाइट वाली प्लेस होती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वाटरफॉल पर जाने में आप प्लीज सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल हो चुके हैं जहां पर मॉनसून स्टार्ट होते ही बहुत सारे लोग वहां जाते हैं और वहां जाकर उन लोगों के साथ में बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। हमारा भैरवकुंड जाने का बहुत दिनों से प्लान चल रहा था, आज की राइड का हमारा भैरवकुंड जाने का ही डिसाइड था। बहुत ज्यादा ऊपर से जब फॉल गिरता है, जिस जगह पर पानी गिरता है, पानी के प्रेशर की वजह से उस कुंड में वहां पर बहुत ज्यादा गहरा कुंड बन जाता है। आप लोग वहां जाते हैं फॉल में नीचे उतरते हैं, लेकिन गाइस जो बहती हुई रिवर है उसकी वजह से दिखता नहीं है कि यहां पे कहां पर गहरा है और कहां पर नॉर्मल है। भैरव कुंड का जो एक्सीडेंट हुआ है जहां पर इंदौर के 3 बंदे डूबकर मर चुके हैं, तो गाइस वो कुछ इसी तरीके से वाटरफॉल में नीचे उतरे थे और वहां जाकर नहा रहे थे, पर काफी ज्यादा क्राउड था और वो लोग वहां पर नहा रहे थे, लेकिन गाइस वो गहरे में चले गए और 3 बंदे एक साथ जाकर वहां डूब गए। इतने सारे लोगों के होने के बाद भी उन लोगों को कोई नहीं बचा पाया। तो गाइस 10 फीट गहरे पानी में ही 3 बंदे डूबकर मर चुके और उनके पास लगभग 50 लोग थे। उन 50 लोगों को पता भी नहीं चला कि वो कब डूबे। तो गाइस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी वॉटरफॉल पर या ऐसी प्लेस पर जाएं, आप वॉटरफॉल में नीचे उतरते हैं, तो प्लीज गाइस सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतने ऊपर से जब वॉटरफॉल नीचे गिरता है तो पानी की वजह से जमीन पर प्रेशर बनता है और वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं जो कि मॉनसून में पानी की वजह से हमें बिल्कुल भी नहीं दिखते, और हम जाकर वहां पर एंजॉय करते करते गाइस एक एंजॉयमेंट में कब एक एक्सीडेंट हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो गाइस मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो जो भी लोग देखते तो किसी भी वाटरफॉल पर जाएं या ऐसी कोई सी भी प्लेस पर जाएं, तो प्लीज गाइस सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। Be the greatest. Everybody on their face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing.